So, Miss Nandita Rawat, Pro, Nandita Rawat, आपका welcome है आज आज इंडिया में Thank you, sir. Thank you so much. मेरे साथ साथ आज मेरी बहुत सारी ऑडियंस आपकी बहुत सारी ऑडियंस आज हमारी इस <सथ> को देखेगी और सबसे पहले मैं प्रेव चाहूंगा आपकी कंडीशनिंग का जो अभी आप जैसे दिख रहे हो ऑसम दिख रहे हो और एक आई आर बी बी प्रो को जैसा दिखना चाहिए बिल्कुल वैसे दिख रहे हो थैंक यू सर थैंक यू बट अभी टाइम है चैंपियनशिप में जी बट तैयारी स्टार्ट है सो so, नंदिता मैं स्ट्रेट आता पॉइंट के ऊपर कि आपको लेकर के इंडिया में कुछ चीजें अभी सर्कुलेट हो रही हैं वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं तीन चार दिन पहले आपका एक वीडियो आया था आपका लाइव को लेकर के आपने इंस्टाग्राम लाइव पे की थी सो so, उसकी थोड़ी सी ब्रीफ ये क्या चीज थी वो आ, सर एक्चुअली मुझे तो नहीं पता कि इंडिया में क्या कंट्रोवर्सी चल रही है और क्या नहीं चल रही है उस टाइम तक मुझे पता नहीं थी बस रैंडम कुछ बच्चों के मेरे पास बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड मैसेज आ रहे थे इंस्टाग्राम पे कि मैम क्या फ्यूचर है और अगर मैं लोन लेके करता हूँ या मैं उधार लेके बॉडी बिल्डिंग करता हूँ तो अगर मैं कंपटीशन जीतता हूँ तो वो पैसे रिकवर होंगे या नहीं होंगे नहीं। तो जस्ट वो रैंडम मैं आ, मतलब मैं मतलब किसी के ऐसे इसलिए लाइव नहीं आई थी नहीं। बट मैं उन बच्चों के लिए लाइव आई थी कि मैं उनको अच्छे से ब्रीफ कर सकू की अगर आप सिर्फ आप फिट रहना चाहते हैं सिर्फ अच्छा दिखना चाहते हैं तो आपको किसी से लोन उधार लेने की जरूरत नहीं है अपने घर में अपनी फैमिली के साथ जो आपके घर में है वो ही आप खाओ और अच्छा आप वर्कआउट करो और फिट रहो ठीक है बट अगर आप ये सोचो लेके मैं, ले मैं बॉडी बिल्डिंग एक पैशन है ठीक है, है। आपको ही पता है कि आ, मेरे हिसाब से वर्ल्ड का सबसे महंगा गेम है बॉडी बिल्डिंग बिल्कुल है ठीक है सबसे महंगा शौक अगर आप अगर आप इस लायक है कि आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं ठीक है तब तो आप अपना जो पैशन है उसको आप कंटिन्यू रखिए ठीक है लेकिन अगर आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं कि मैं जीत के क्या मैं लोन का पैसा रिकवर कर सकता हूँ तो मैं तो आपको सही गाइड करूंगी ना मैं आपकी आंखों में धूल तो झोंकी नहीं सकती ठीक है। तो कि आपको अगर आप ये सोचो कि आप इतने पैसे कमा लोगे एक कॉम्पिट आपको पता है इंडिया में हर गली मोहल्ले में एक मिस्टर इंडिया है मानते हैं आप इस बात को मिस्टर इंडिया मिल जाते हैं अगर आप देखिए अगर आपको सिर्फ ऐसे कोई छोटे मोटे कॉम्पिटिशन खेलने हैं तब तो आप अपना वो पैशन आप एक बार अपनी ट्रेनिंग करो और बॉडी बनाओ और आप एक दो कॉम्पिटिशन खेल लो वो आपका पैशन खत्म हो जाता है बट अगर आपको इस चीज को बहुत आगे लेके जाना है या आप इसी काम को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपके पास इतना होना चाहिए कि आप अपनी बॉडी पे लगा सके और ऐसा भी नहीं कि जीतने के बाद आप वो पैसा रिकवर कर सकते हैं मैंने खुद प्रोकार्ड जीता है ठीक है मुझे उतना ही अमाउंट मिला था जितना मैंने फीस पे की थी, आई एफ बी भी, भी आ, ए, मतलब ये नहीं कि आप प्रो कार्ड जीत रहे हो तो आपको बहुत सारा पैसा उसके साथ मिलेगा नहीं आपको वहां मिलता है नाम फेम कंपनी के स्पॉन्सर्स, ठीक है उसके बाद इस फेम को कॉन्टिन्यू रखने के लिए आप अपने कितना काम करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो है। है बिल्कुल सही ठीक अगर मैं ये बोलूं कि मैंने लोन लिया था इस चीज को करने के लिए उसके बाद मुझे इतना पैसा मिला कि मैंने ये रिकवर कर दिया तो ये चीज बिल्कुल गलत है देखिए आपको पता है कि इंडिया में बॉडी बिल्डिंग में इतना अमाउंट नहीं मिलता ठीक है ना सिर्फ आपको नाम पैसा और फेम मिलता है <laughs>

सेम डे जिस दिन मैं लाइव आई उस दिन आ, रात में आ, मेरी कुछ ऐसी बात हुई इंस्टाग्राम पे कुछ लोगों से ठीक अच्छा। है उन्होंने मुझे बोला कि आई फ्रॉड है लोगों के लाखों रुपए खा जाती है और लोग पैसे देके प्रो कार्ड खरीदते हैं तो मैं सेकंड वीडियो मैंने जो बनाया था वो इसलिए बनाया था कि कुछ आई ए जो इस चीज का गलत फायदा उठा रहे हैं और गलत मैसेज लोगों को दे रहे हैं हुँ. इस बात से कि हाँ लाखों रुपए खर्च होते हैं इतना पैसा लगता है उतना पैसा लगता है तो ये गलत मैसेज वो पब्लिक को दे रहे हैं बिल्कुल ही गलत ठीक है नहीं। मैं कहती हूँ अगर लाखों रुपए लगते हैं या आपने इस फेडरेशन को लाखों रुपए दिए एक गेम खेलने के लिए तब तो आपको फर्स्ट टाइम में ही प्रो कार्ड जीत जाना चाहिए फिर आप आठ आठ साल से वो प्रो कार्ड जीतने की मेहनत क्यों कर रहे हो ठीक है ठीक है अगर पैसा देके आप प्रो कार्ड खरीदते तो आप आठ आठ दस दस साल से क्यों कर रहे हो आप मेहनत पैसा दो और ले जाओ पैसा दो और ले जाओ फिर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है ठीक है फिर भी आप आठ साल से दस साल से आप मेहनत कर रहे हो ना प्रोकार्ड जीतने के लिए तो इट्स मींस पैसों तो नहीं मिलता बिल्कुल ठीक है बहुत बहुत अच्छे अच्छे करोड़पति पड़े हैं जो पैसा देकर्ड खरीद सकते हैं वो आई एफ बीवी प्रो बन सकते हैं वो क्यों नहीं बन रहे लोगों ने इनफैक्ट पैसा पहले ऑफर किया है बहुत सारा मेरे पास नाम है है मेरे पास ऐसे बट उनको नहीं मिला मेरे पास भी है सर नहीं मिला ना नहीं मिला ना तो ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था कि जो लोग ये बोल रहे हैं एमेचर ओलंपिया के लिए या शेरू क्लासिक के लिए या प्रो आई एफ फेडरेशन के लिए हुँ. तो अगर उनको इस चीज से इतनी प्रॉब्लम है हुँ. तो फिर अपने नाम के आगे से आप यहाँ कार्ड हटा दो आई एफ प्रो हटा दो ठीक है और आप बाहर की कंट्री में जाओ वहां से जीत के लाओ ना यहाँ अगर मैं कहती हूँ अगर पच्चीस हजार भी आपने फीस दी है शो खेलने के लिए अगला बंदा लाखों रुपए का प्रोकार्ड इंडिया में वो फैसिलिटी ला के दे रहा है आपको <laughs> प्रोकार्ड जीतने की एटलीस्ट लोगों ने सपने देखने तो शुरू किए कि हाँ हम भी प्रोकार्ड जीत सकते हैं ठीक है इंडिया में तो था ही नहीं प्रोकार्ड एटलीस्ट किसी ने तो मेहनत करी उसको लाने के लिए आपको तभी तो लोगों ने सपने देखे बिल्कुल ठीक है नंदिता आपको पर्सनली कोई फायदा हुआ है क्या प्रो कार्ड जीतने के बाद में बिल्कुल हुआ सर मैं आज लोग अगर मुझे जानते हैं तो वो मेरे इस प्रोफेशन की वजह से ही जानते हैं जी Card, जितने से पहले तक मैं एक नॉर्मल लड़की थी अगर मैं ये बोलूँ की तीन साल पहले मैं बहुत नॉर्मल लड़की थी मेरा रिजॉर्ट हुआ करता था मनाली में मैं अपना रन करती थी दैट्स इट ठीक है मुझे पब्लिक ऐसे नहीं जानती थी कि मैं कौन हूं मैं क्या तो okay. ठीक है okay. मैं आज जो भी हूँ अगर मैं यहां तक भी हूं ना तो मैं इसकी वजह से ही हूँ प्रोकार्ड की वजह से प्रोकार्ड बिल्कुल तो इंटरनेशनली आप अच्छा कमा रहे होगा

ठीक okay. है उन्होंने मेरे मतलब जो दो साल पहले के मैंने वीडियो उनको टैग किए थे जो उन्होंने दो साल से खोल के भी नहीं देखे हम्म uh -huh. आप आइकॉन की बात, बात कर रहे हैं उन्होंने स्टोरी पे शेयर किया आप आइकॉन की बात कर रहे हैं बिल्कुल 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 सर ओके ओके ठीक है ठीक है सो so, थोड़ा सा बताइए क्या आपकी मतलब क्या बात हुई क्या उन्होंने आपको कोई चीज के बारे में बोला समझाया कन्विंस किया क्या चीज थी वो क्या कॉन्वर्स हाँ मतलब जो जो अभी तक वो दूसरों को जितने भी अभी तक कुछ आपने आए, अभी प्रो के वीडियो देखे होंगे कुछ का का और में या, या, मैंने देखा है हाँ, तो वही चीज जो चीज उन्होंने उनके साथ करी उनको तो कन्विंस कर लिया बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, ठीक है? मेरा एक फोकस है मेरे पास मेरे खुद का दिमाग है ठीक है मुझे मेरी लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं डिसाइड करूंगी राइट ठीक है मैंने किसी अदर पर्सन को ये राइट नहीं दिया हुआ कि मेरी लाइफ में क्या करना है मुझे वो तुम डिसाइड करू हम्म ओके ठीक है ना okay. तो जैसे उन्होंने कि जाओ उनसे पैसे लो शोज में जाने के इस तरह से जैसे हमारी फेडरेशन में तो ये है कि आप किसी ऐसी आ, 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 शो में नहीं जा सकते आप स्टेज पे खड़े होकर पोजिंग नहीं कर सकते आई एफ वी वी प्रोकार जीतने के बाद आप एक नॉर्मल इंसान नहीं रहते बिल्कुल

हाँ, अगर आप ये उनका कहना ये था कि अगर बॉडी बिल्डिंग में मिलता नहीं तो आप क्यों लगा रहे हो हम्म 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 ओके ओके तो okay. ये तो बात हुई चलिए दो आपके वीडियोस और आपकी कॉन्वर्सेशन के बारे में आइकॉन के साथ में अब आज सडनली शाम के बाद से इंडिया में इंडिया की शाम के बाद से सडनली फिर यहाँ पर आपके वीडियोस को लेकर के दोबारा से थोड़ी सी गर्मा गर्मी अब शुरू है इंस्टाग्राम के ऊपर और खासतौर पर दो यूट्यूबर्स

तो आज ये वीडियो आ गया ठीक है आप समझ रहे हैं ना जी, 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 तो अगला तो मैंने तो उस बंदे को भी बोला कि भाई तेरे बाप ने तुझे कितने पैसे दिए मुझे बता दे तो ओ, अभी उनका ये वीडियो आया था कि मैं आ, रोज रोज जो है बाप नहीं बदलता ये तुम्हारा काम है तो भाई मैं तो जहा हूँ मैं तो वही हूँ और हुँ, मेरे बाप को मरे हुए तो बाईस साल हो गए तो मैं बाप बदलने का तो सवाल ही नहीं उठता ठीक है और दूसरी चीज उसने ये बोली थी कि हरियाणा मतलब हरियाणा आओ तो हम तुम्हें चांटे चांटे मारेंगे तो भाई मैं उनको बस ये आऊंगी ना भाई तेरे घर आऊंगी और फिर मैं देखूंगी तू मुझे औकात है चाटे मारने की तो भाई साहब बिल्कुल नंदिता कोई किसी को कुछ हाथ नहीं लगा सकता कोई गलत नहीं बोल सकता और इस चीज की श्योरिटी मैं आपको देखता हूं अगर आपको कहीं पर कोई लीगल एड की भी जरूरत रहेगी मैं आपको चाहे देखिए आप मुझे से नहीं जानते ठीक है जी, जी. और आपने मुझे आप मुझे आप जब से भी जानते ना तो इतना तो आपको पता है कि मैं किस टाइप कि तो बर्दाश्त करने वालों में ये तो हुई चलो एक नेगेटिविटी के बारे में बात ये अब हम इसको छोड़ते हैं एक सेकंड के लिए पॉजिटिव बताइए कि आपकी जिंदगी कैसी है दुबई में और अगर आज हमारी ऑडियंस में से कुछ लोग आपसे इंस्पायर होकर के अपना कैरियर भी आपकी तरह दुबई में बनाना चाहते हैं इन फिटनेस ओनली तो वो किस रास्ते जाए और वो क्या करें सर देखिए बहुत इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि मैं भी जब यहाँ आई थी तो आ, मतलब मैं आपको बताया मैं बिल्कुल खुद के दम पे आई थी मेरा कोई यहाँ नोन पर्सन नहीं था इनफैक्ट जो लोग आपको ये बोलते थे ना कि अरे अगर दुबई आओ तो मुझे बताना हुँ. और मैं वहीं रहती हूँ ये मेरा एड्रेस है आप यकीन मानिए वो लोग आपका फोन तक नहीं उठाते ठीक <laughs> है yeah. आने के बाद okay. तो मतलब जब मैं यहाँ आई थी तो मेरा कोई भी ऐसा कोई पर्सन नहीं था जिसको मैं यहाँ जानती हूँ जो किया कैसे किया मैं यहाँ आई सेटल हुई और बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त बने और बहुत सारी चीजें हुई अप एंड डाउन आपको पता है कि आप किसी नई जगह पे शिफ्ट होते हैं तो कितनी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती है बट नाउ हाँ अब मैं ये कह सकती हूँ कि मैं प्रॉपर पूरी तरह सेटल्ड हूँ वेरी गुड ओके ठीक okay. है और अभी मेरा जो फोकस है वो सिर्फ काम पे और मेरी ट्रेनिंग पे है और अभी जस्ट वीजा वगैरह अप्लाई किया है के लिए अभी मैं जून में तो ठीक है नहीं तो फिर उसके बाद रोमानिया और लास वेगास मेरा लाइनअप है।, है अब इंडियन एथलीट्स जो है वो इंटरनेशनल ऊपर नजर आएंगे चमकेंगे सर आप खुद सोचिए ना कि जिन एथलीट्स के साथ आपने अगर मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखा होगा तो जिन एथलीट्स के साथ मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इनके साथ बैठूंगी या मैं इनके साथ कन्वर्सेशन करूंगी या ये मुझे अपने बगल में बैठाएंगे मुझसे बात करेंगे मेरे साथ चाय कॉफी पियेंगे तो ये बहुत नॉर्मल चीज हो गई है यहाँ दुबई में मतलब okay. जो चीजें मैंने कभी सोची भी नहीं थी यहाँ पे आने के बाद मुझे मेरे साथ वो चीजें हो रही हैं है तो दैट्स मीन कि हाँ अब मैं कह सकती हूँ कि मैं प्रॉपर पूरी तरह सेटल्ड हूँ कि मतलब जो मैंने नहीं भी सोचा था ना वो भी ड्रीम मेरा यहाँ के पूरा हो गया सुपर सुपर सो so, uh, नंदिता अगर आपसे कोई कोचिंग लेना चाहे कोई गर्ल कोचिंग लेना चाहे कोई बॉय कोचिंग लेना चाहे तो वो कैसे आपको अप्रोच करे कहाँ पर अप्रोच करे वो uh, हाँ बिल्कुल सर मैं अभी भी मेरे ऑनलाइन क्लाइंट्स हैं मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग्स देती हूँ मेरा यूएसए में भी क्लाइंट है और इंडिया में भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं बाकी जिम मेरा है ही आपने आपको पता ही है जी, जी. तो आ, मेरा जो ईमेल आईडी है वो वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर्म फिलअप कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे भी जाके वो मुझसे क्वारी कर सकते हैं एक बार अपनी इंस्टाग्राम इंस्टा, आई डी और ईमेल आईडी डी दोनों चीजें बोल दीजिए प्लीज <laughs> <laughs> मेरी इंस्टाग्राम आईडी है आई एफ बी वी प्रो नंदिता रावत ऑफिशियल और मेरा जो ईमेल आईडी है वो है नंदिता रावत नाइन एक्स एट द रेट जी मेल डॉट कॉम परफेक्ट है तो नंदिता अब हम आपको इंडिया में कब कब देख पाएंगे और थोड़ा मेरा वीजा वीजा का है ना तो मेरा पासपोर्ट वगैरह सबमिट होना है तो है? अभी तो मैं फर्स्ट शो के बाद ही इंडिया आ पाऊंगी मतलब जून के बाद ही आ पाऊंगी इस बार वरना तो आपको पता ही मैं हर महीने ही इंडिया आ जाती हूँ कोई भी शो जी चलिए ठीक है आज मेरे से इतनी सारी बात करने के लिए थैंक यू और ये सारी कंफ्यूजन क्लैरिटी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये बहुत जरूरी था सर कि प्लीज आप आए और थैंक यू सो मच आपने मुझे सुना और मतलब जो बातें मतलब एक 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 वीडियो को इतने तरीके से लोगों ने घुमा फिरा के उसका मतलब पता नहीं क्या बना दिया वो बहुत सिंपल सी कन्वर्सेशन होती है जिसको देखिए एक चीज एक बात के ना दो पहलू होते हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव